उसमें प्रावधान है कि आपको सजा भी हो सकती है, एक कानून है। क्या इसके अंदर जब पतंगबाजी इतनी दिखाई गई है, क्या उसका भी प्रभाव छोड़ा है, थोड़ा दिखाने की कोशिश की है कि यस ये उस कानून के अंदर भी आती न्यूज़ है? रिपोर्ट के अंदर ये पॉइंट मेंशन्ड है कि बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ मांजाज द काइंड ऑफ फेटेलिटीज दैट आर हैपनिंग शुड नॉट हैपन एंड इट्स नॉट राइट एंड दैट्स द रीजन नाउ द मांजा दैट दीस पीपल आर यूजिंग इज द सेफ वन। सो वी मेंशन्ड इट ओनली वंस, वी हैव नॉट एलैबोरेटेड इट, बट इट वाज सोन इन द स्क्रिप्ट वेल, सो वी हैव डन, वी हैव डेफिनेटली मेंशन्ड दैट। अगेन अ क्वेश्चन टू यू, दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म। लाइक स्पोर्ट्स में हमने काफी फिल्में देखी हैं, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, दिस इज पतंगबाजी। हाउ हैव यू मैनेज टू डायरेक्ट द फिल्म? कैसा लगा, डायरेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितनी डिफिकल्टीज आपने फेस किया? एंड मेरा सवाल ये भी रहेगा कि क्या इसमें आपने जो काइट कॉम्पिटिशन दिखाया है, इज इट VFX बेस्ड और इज इट ट्रू? डैनी भाई एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंज कर दो, क्योंकि डिफिकल्टीज के लिए वी विल नीड वन मोर प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या डिफिकल्टीज फेस किए, तो वी विल नॉट गेट देयर, बट द एक्सपीरियंस हैज बीन फैबुलस, इट्स बीन ग्रेट। इट्स माय फर्स्ट फिल्म एंड इसके पहले शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी, बट फर्स्ट फीचर फिल्म है मेरी, सो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड द थॉट केम टू मी बहुत रैंडमली आया था थॉट, अमृतसर गया था एक मित्र की शादी में, और वहाँ पर वाघा बॉर्डर के पास एक हवेली नाम का बैंक्वेट हॉल है, वहीं पर खड़ा था और मुझे लगा ये शहर का खाना बहुत अच्छा है, बहुत डिवाइन सिटी है, बहुत अच्छा लगा। एंड द मोमेंट आई थॉट ऑफ दैट आई कुड सी अ काइट यू नो एक्चुअली फ्लटरिंग ऑन अ ट्री अक्रॉस द रोड एंड आई वॉज ग्लूड टू इट। आई नो इट साउंड्स वेरी फिल्मी बट दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड, आई वॉज ग्लूड टू इट एंड दो इट वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड बट आई कुड हियर द इफेक्ट्स ऑफ दैट पेपर, यू नो आई कुड हियर द विंड एंड द पेपर, आई कुड हियर दैट मूवमेंट एंड देयर वॉज एक्चुअली समथिंग विच इवन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट नाइट। Then a story started coming in my mind. My friend comes and tells me, "Chal, bhai, party karne jaate hain abhi. Matlab shaadi hai, to there's a party after party in the hotel cab." So I said, "I'm coming." And in hotel ka jo pad hota hai, jis par hum notes wagera likhte hain, notes bhi nahi, hum log maximum par sketches banate hain. You all know that. And main uske upar kahani likhne laga. And Gabru Gang ki kahani, wahan se likhte likhte likhte, itna maza aane laga. I just kept writing. I didn't think ki ye kitne mein banegi. I didn't think isme kaun hoga. But I could see a very blur character of Rajbir Saluja, an 8-year-old boy, realizing that he can fly kites and cut anybody's kite, and then coming to become the champion of Punjab, and then, you know, timely circumstances pull the carpet below his feet, and he realizes he can't fly it anymore. So it just kept coming. So the experience was good because it was new. It was a new experience completely. The VFX we've used is, I would say, around 5%. 95% is a real kite shoot. Okay, hi. Bhavna this side from ABP. Congratulations, first of all, aapki pehle film hai, aur all the best. Description kehta hai ki ye pehli, world's first film based on kite competition of Punjab. अगर हम काइट्स की हिस्ट्री पे जाएं तो लखनऊ से इसकी शुरुआत हुई थी, अवध इसके मुगल आए थे और काफ़ी नवाबी शौक इसे कहा जाता था। काइट्स के कल्चर अलग अलग है, यहाँ दिल्ली में 15 अगस्त को बहुत पतंगबाजी होती है, मकर संक्रांति में उत्तर प्रदेश में और गुजरात वगैरह में होती है। कैसे उन सबसे डिफरेंट है ये पंजाब का काइट कॉम्पिटिशन जिसे आप दिखाने वाले हैं? मेरे से सवाल, राइट? हाँ, मतलब ओके, एक तो काइट्स जो है 2800 years पहले इन्वेंट की गई थी। द फर्स्ट काइट वॉज फ्लोन इन चाइना एंड दैट वॉज मेड ऑफ वुड, लकड़ी की थी। तो एंड देन इट केम टू इंडिया अराउंड 1800 years और 1900 years बैक। द काइट कॉम्पिटिशन दैट हैव शोन इन पंजाब इज नॉट इंडियाज और पंजाब्स फर्स्ट प्रेजेंस, इट इज एक्चुअली द वर्ल्ड्स फर्स्ट फिल्म बेस्ड ऑन अ काइट कॉम्पिटिशन। नाउ व्हेन आई शो अ स्पोर्टिंग फिल्म, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी फुटबॉल, तो द बेसिक एजेंडा क्या होता है कि एक प्लेयर है बहुत अच्छा खेलता है एंड उसकी या तो गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया, या तो वो मिली ही नहीं, या तो वो फुटबॉल समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज देयर, ही लीव्स इट एंड देन ही कम्स बैक। दैट इज द बेसिक फॉर्मेट। मैं भी कुछ ज्यादा दूर नहीं गया हूँ इस फॉर्मेट से, मैं भी इसी फॉर्मेट के आसपास खेल रहा था। मैंने सिर्फ क्या किया, इस फॉर्मेट के कलर्स चेंज कर दिए, इमोशंस चेंज कर दिए। सो दैट इज देयर इन द फिल्म, यू विल सी। सो माई फिल्म इज डिफरेंट बिकॉज नंबर वन, यू कैन वॉच इट विद अ 5-year-old किड, literally 5-year-old kid, and if you give me 3 seconds I'll tell you and after that what. आप 5 साल के बच्चे के साथ भी फिल्म देख सकते हो, because I made very sure
It's too early for me to say in my career, but I want to make those kind of films. I want to create a market for those kind of films. So it's a love story between a mama and a bhanja. Thank you. एक मामा भांजे की प्रेम कहानी है ये गबरू गैंग. एक 8 साल का भांजा है, एक 28 साल का मामा है उसका. एंड व्हाट द मामा डज फॉर हिज 8 ईयर ओल्ड नेफ्यू. आई एम सरोज दुलिया फ्रॉम नवभारत टाइम्स न्यूज़पेपर. मेरा क्वेश्चन यह है कि जैसे एक बार ये होता था कि काइट जो फेस्टिवल होता था कि पूरा एक बच्चों के लिए घर पे काइट आती थी, उसे बड़ा सेलिब्रेशन होता था कि आज 26 जनवरी है या मकर संक्रांति है. लेकिन अब वो धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है. अब जो काइट है वो केवल दिल्ली 6 में किसी कुछ मौकों पे दिख जाएगी या धीरे धीरे. तो आपको लग रहा है कि आप क्योंकि ट्रेडिशन जो खत्म हो रहा है, एक माहौल उत्सव वाला जो होता था, तो आपकी फिल्म क्या कुछ ऐसा लोगों को वो करेगी कि हाँ अभी भाई काइट एक मतलब पीछे की तरफ ले जाना, एक संदेश देगी इसमें दे रही है क्या? आप क्रिकेट की कोई भी फिल्म देखिए तो वो फिल्म से बाहर निकलते है ना, बच्चा अपने पापा को बोलता है मेरे को बैट चाहिए. हाँ वही मैं जानना चाह रही कि क्या इससे भी इंस्पायर्ड होंगे लोग. तो सिमिलरली इन एवरी स्पोर्ट ऐसा होता है. इस फिल्म से भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि लोग इंस्पायर्ड और लोगों से ज़्यादा बच्चे इंस्पायर्ड होंगे, क्योंकि ये वो ऐसा स्पोर्ट है ये जो हमसे बहुत जुड़ा हुआ है. हमारे गांव गांव में छत छत पे पतंगे उड़ी हैं और ऐसी उड़ी हैं कि जब तक किसी की काटे नहीं तब तक वो लड़का खाना नहीं खाएगा, या तो उसकी जब तक कट ना जाए वो खाना नहीं खाएगा. हाँ, लेकिन मेट्रो सिटीज में खत्म होता जा रहा है ना कल्चर, खत्म होते जा रहा है. फिल्म देखने से हो सकता है कि ये फिल्म देखकर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो एरा वापस आएगा, क्योंकि हमारी फिल्म की शुरुआत है 1999 से, तो यू टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 25 इयर्स बैक से हम शुरू कर रहे हैं. सो पतंगबाजी का ना वो एक इश्क है. काइट फ्लाइंग इज लव, वेरी प्योर. इट्स सो प्योर दैट द फ्लायर एंड द काइट आर एक्चुअली हैविंग एन अफेयर माइल्स अपार्ट एंड टॉकिंग टू ईच अदर. सो इफ यू सी अ प्रोफेशनल काइट फ्लायर, वो लिटरली ऐसे करता है जैसे कि वो उसको बोल रहा है चल लेफ्ट चल राइट. सो देयर इज अ रिलेशनशिप देयर. आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू पुट दैट इमोशन इनटू द फिल्म एंड आई एम होपिंग दैट यू ऑल विल लाइक दैट इमोशन. पहले एक तरह का वो गेम होता था कि मेरी कट गई, मेरी हाइट में चली गई, जो धीरे-धीरे लोगों के अंदर वो खत्म होता जा रहा है. जी करेक्ट. एंड इट्स अ वेरी फिजिकल स्पोर्ट. बच्चों के लिए भी हम लाते हैं थोड़ा सा ऐसे-ऐसे उड़ाई, उन्होंने बात खत्म हो गई. तो मुझे लगता है कि आपकी फिल्म में मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि वही हमने ध्यान में रखा है. जी तो इसमें एक भाई बहन का रिलेशन है, मामा भांजे का है, दोस्तों का है जो सबसे अटूट रिलेशन है. कि दोस्तों में झगड़े तो बहुत होते हैं, लेकिन दोस्तों की एक बहुत खूबसूरत चीज है, आप नोट करना अगर आपका कोई वैसा दोस्त है तो, कि जैसे आप पर तकलीफ आएगी ना वो किसी बहाने से आप तक पहुंचेगा. हाँ अरे भाई वो सतीश का नंबर है क्या तेरे पास? तो तुम बोलोगे नहीं सतीश कौन? अच्छा वो छोड़ तू कैसा है, क्या कर रहा है? वो पहुंच रहा है. क्योंकि हमारा ईगो हमको बहुत बार रोकता है पहुंचने से. बिल्कुल. तो इस फिल्म में वही होता है. So that emotions also. Okay, thank you. Apart from emotions, and is there any message which you have conveyed through your debut film? The film, like I said, is a love story between a man and his nephew. The only message that you'll get from the first half till the last half is, you love somebody. You can do anything for that person, and you can achieve it if your love is true. So we've shown his love for his nephew so true that he actually gets an impossible task done. But normally in Bollywood, we are seeing a lot of films are coming, like Veer Savarkar and Raza Khan, which have some political message because of the general election. Oh, that way. So that's why I was saying, is there any politics or anything? No, sir, no. We don't have any such message. India-Pakistan relations? Not at all, sir. Nothing at all. Not at all. You know, India World Cup होता है पतंगबाजी का हर 2 साल में पेरिस में. ये बहुत लोगों को नहीं पता. और हिंदुस्तान 1996 में ये वर्ल्ड कप जीती है. They won. It's an official World Cup which happens in Paris. And the captain of the Indian national team and the Golden Kite Club of India, which is Shehzade Abbas and Deepak Kapadia, they're the ones who have actually trained all our actors for 6 months in kite flying. So they're like thorough professionals. He's flying from 55 years, you know. It is, sir, but the thought came in the city of Amritsar and it just kept developing, that's why. Nothing particular. So it is Amritsar? The boys from Amritsar, so the backdrop is Amritsar, but it's a full-fledged Hindi feature film. And then from Amritsar, he goes on to win the All India Championship. That is Gabru Gang. Abhishek Dhawan, who's played Rajbir Saluja, to speak about his character.
थैंक यू वेरी मच सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे डायरेक्टर ने ऑलरेडी सारी अच्छी बातें और सब कुछ बता दिया है, पर बताइए सर आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे इस बारे में? सर बहुत एक्सपीरियंस मेरे लिए एज एन एक्टर, हर एक्टर एक अच्छा डायरेक्टर ढूंढता है, एक ऐसा डायरेक्टर ढूंढता है जो उसे एक ऐसा स्पेस दे जिसमें वो थ्राइव कर सके, जिसमें वो एज एन आर्टिस्ट ग्रो कर सके. And I think that's what I really enjoyed. I had Sameer Khan with me since day one. In fact, मैं जब narration लेने गया था तो मैं और ये घर पे अकेले ही थे और उस समय इन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि that Abhishek, I have faith in you. तू मेरा राजवीर सलूजा है. और इनके पास option थी और बहुत बड़े बड़े successful actors को sign करने की capacity थी, सब कुछ था, but they chose me and मैं हरियाणा से हूँ सर. मेरा जन्म जो है हरियाणा में हुआ है, जींद के पास एक गांव है बहबलपुर, और हरियाणा पंजाब बिल्कुल पास में है, तो पंजाबी वाली का बोली कोई मतलब वड्डी गल नहीं है जी, वो तो पांच सारे नहीं आती, फिर बाकी पंजाबी गाने कर देंगे ने काम. हिंदी है सर, बॉलीवुड फिल्म है, प्रॉपर हिंदी फिल्म है, लेकिन उसमें डेफिनेटली वो जो डायलेक्ट है, जो एक टोन रहती है, वो डेफिनेटली वहाँ की है, और डायरेक्टर ने इसका बहुत ध्यान रखा है, बहुत मेहनत की है सर. मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ अभी भी. मैं मेरे डायरेक्टर ने अपनी जान डाली है सर इसमें. आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी दैट एंड फील दैट, यू नो. ओके, तो हमें प्लीज कंटिन्यू मैम. ठीक है, ऑन लाइटर नोट, डायरेक्टर सर ने, ये उनका बेबी है, ठीक है, एक्टर्स को उनका काम मिल गया, प्रोड्यूसर्स से मेरा सवाल है कि आपका तो इसमें पैसा लग रहा है, तो ऐसा क्या यूएसपी आपने इस फिल्म में देखी, ऐसा क्या आपको इस फिल्म में ऐसा लगा जिसमें आपने सोचा कि हाँ चलो ये जब हमारे राइटर ने आके कहानी सुनाई ना, तो इन्होंने मेरे से सिर्फ 15 मिनट का टाइम मांगा था कि हमको सिर्फ 15 मिनट का टाइम चाहिए. एक्चुअली मैं बेसिकली बिजनेस मैन हूँ, लास्ट 30 साल से मैं बिजनेस में हूँ, तो हमको सिर्फ 15 मिनट का टाइम चाहिए आपका. तो जब हम लोग कहानी सुनने बैठे ना, तो लिटरली 3.5 घंटे तक हम नरेशन सुनते रह गए, और इसकी स्टोरी लाइन और सब कुछ, जो भी इमोशंस जो थे उनके पास, उन्होंने जो भी, ऑफ कोर्स मिस्टर समीर ही इज द राइटर एंड डायरेक्टर आल्सो, तो उन्होंने वो जब सुनानी शुरू की तो 3.5 घंटे तक हम सुनते रह गए, और हम इसमें इतने अंदर चले गए कि हमने बोला ओके डन, हमें करना है ये. हिप्नोटाइज नहीं किया, इनकी स्टोरी ने हमें हिप्नोटाइज किया. Thank you, sir. Thank you. He has this magic. Thank you. Maximum आपके producer हैं film के, तो आपने बताइए आपने क्या इस film में interest, आपको क्या लगेगा? Hello. So मैं पहले एक actor हूँ. मैंने as an artist, child artist start किया था. Film making मेरे लिए जैसे अशोक भाई और मेरा combination कह सकते हैं कि अशोक भाई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक फिल्म को देखते हैं, मैं थोड़ा क्रिएटिवली, जो एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर की जो एक जॉब होती है, मैं थोड़ा उस तरह से फिल्म के साथ जुड़ी थी. तो डेफिनेटली समीर जी ने मेरे लिए, पहले हमने एक दो शॉर्ट फिल्म्स की थी, तो वो शॉर्ट फिल्म्स में थोड़ा सा मुझे वो ग्लिम्स दिख गए थे कि दिस डायरेक्टर हैज़ दैट थिंग इन हिम, यू नो, बिकॉज आपने अच्छे बुरे डायरेक्टर के साथ जब काम किया होता तो आपको एक पहचान हो जाती है कि अच्छा डायरेक्टर कौन होता है और बुरा डायरेक्टर कैसा दिखता है. तो मुझे लग गया था कि ये अच्छे डायरेक्टर हैं. और जब ये कहानी हुई तो ऑफकोर्स पहली बार, मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से हूँ मैं बेसिकली, तो एक बीइंग फ्रॉम अमृतसर, जब ऐसी कहानी मुझे उन्होंने सुनाई कोइंसिडेंटली, यू नो, इट वाज नॉट प्लान्ड कि मैं अमृतसर से हूँ, और उन्होंने भी कहानी अमृतसर की ही चुनी और अमृतसर को बेस रख के लिखा. सो डेफिनेटली आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, यू नो, कि मुझे मेरी जो मदरलैंड है उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा. और कहीं ना कहीं एक छोटा सा मेरा, यू नो, बीइंग अ पंजाबी बॉलीवुड में, नो डाउट आज के डेट में अगर आप देखते हैं तो कोई भी बॉलीवुड फिल्म, कोई भी पंजाबी गाने के बगैर इनकम्प्लीट है. बट कहीं ना कहीं नॉट एवरी फिल्म बट मोस्ट ऑफ द फिल्म में जो एक पंजाबियों की रिप्रेजेंटेशन है ना, वो जो कैरिकेचर प्रेजेंट किया जाता है पंजाबियों को, कि हम हर टाइम बल्ले बल्ले नहीं करते रहते हैं, we are not all the time loud, we are very intellectual people. Punjab ki history sabse zyada, you know,
डिफिकल्ट हिस्ट्री रही है अगर आप देखिए तो, पंजाबियों ने इतना कुछ देखा है फिर भी पंजाबी कौम को सबसे ज़्यादा खुशी, यू नो, खुशी वाली कौम माना गया है। तो एक तरह से बहुत डायमेंशंस है पंजाब के लोगों में, बहुत गहरा सोचते भी हैं हम, यू नो। सो वो कहीं ना कहीं मेरा एक पर्सनल वो भी एक इच्छा थी कि जो पंजाब के लोग हैं उनको सिर्फ हम बल्ले बल्ले और लाउड और हमेशा ओवर द टॉप बात नहीं करते हैं, तो हमारे हिंदी फिल्म होने के बावजूद जो हमने पंजाबी टोन भी रखी है, तो अगर आप देखोगे तो जो नॉर्मल हम जैसे बात कर रहे हैं ना, वो पंजाब है, जो रियल पंजाब है, जो हम जैसे एक आम घर में घुसते हैं वैसा वाला पंजाब दिखेगा, ना कि बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में जिस तरह से पंजाबी लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक आई वुड वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एक पहली फिल्म जो मैं एज अ प्रोड्यूसर जुड़ी हूँ उसमें मुझे कहीं ना कहीं एक अपनी मदर लैंड को कुछ सही तरीके से रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। सो आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम एसोसिएटेड विद सच फिल्म एंड सच ग्रेट कास्ट। देखो सब तो इम्पोर्टेंट है, हालांकि इस टाइम पंजाब इज रूलिंग बॉलीवुड, यू नो, जेडी फिल्म दे विच पंजाब या पंजाबी गाने का कोई दूर दूर लेना भी नहीं है, बट दे ऑल नो कि वी हैव टू मेक श्योर कि पंजाबी गाना होए ता ही लोगों को कितना कितने एक अट्रैक्शन आती। सो पंजाबी म्यूजिक, पंजाबी सिंगर्स, पंजाबी लैंग्वेज इज़ डेफिनेटली वेरी वेरी पॉपुलर राइट नाउ, बट माय पर्सनल टच जरा कह सकते हो कि जी जरूरी मैं रखी ध्यान गल कि पंजाबियों को रियल दिखाया जाए, जरा कैरीकेचर दिखाया जाता है पंजाबियों, यू नो, लाइक कवल इज प्लेइंग सरदार इन द फिल्म बट ही इज़ अ नॉर्मल सरदार, यू नो, मतलब जिवें कुछ पंजाबी फिल्मों में वी हैव अ फिक्सेशन अबाउट I not only Punjabis, like we have a fixation about South Indian, we have a fixation about Gujaratis. Jodo ek character aayega to that particular character from particular state will speak in a particular, you know, ek dialect. But they don't talk like that, you know, if you go in normal households. So in this film, you will see the normal Punjab, real Punjab. Haan ji. Haan ji. देखो ए फिल्म की तो आत्मा ही गुड्डी है, गबरू गैंग की तो आत्मा ही गुड्डी है, जिहड़ा राजवीर और जिहड़ा पूरा गबरू गैंग है उहदा तो किते ना किते बोलते ना एक महबूबा तो गुड्डी भी है, जिहड़ा जिवें समीर जी ने दस्या कि हाँ उहदा एक तरह का इश्क चल रहा है उहदे नाल। सो गुड्डी पतंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी कहानी इहदे आस पास रिवॉल्व करती है। तो डेफिनेटली लोहड़ी है या बसंत पंचमी जो असं गुड्डिया उड़ाते हैं वो एक फैसटिवल असी सैलीब्रेट करते हैं, बट असी इस फिल्म में फैसटिवल तो थोड़ा दो नोट उपर लैके जाने की कोशिश की है। वी हैव टर्न द पतंगबाजी इन टू अ स्पोर्ट, लाइक वैन वी से क्रिकेट वी से फुटबॉल, बट पतंगबाजी अपना स्पोर्ट का जो नाम लेंदे ना, पतंगबाजी का नाम असं कभी लिता ही नहीं है। इनफैक्ट जिवें दस्या ने कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि वर्ल्ड कप हुंदा है, कंट्रीज पार्टीसपेट कर दिया ने, इन्नी ज़्यादा एक यू नो फाइटिंग स्पिरिट होंदी है। सो उस सेंस दे नाल पतंगबाजी नूं नहीं देखा गया अज तक, एंड यही साडे वास्ते चैलेंज भी सी। वैन यू सी अ क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच, यू नो हाउ इट हैपन्स, तुहानूं एक इमेज क्लीयर है कि क्रिकेट की फिल्म होगी तो इस तरह का कुछ लुक होएगा, बट पतंगबाजी जो तुसीं एक प्रॉपर वे ना स्टेट नैशनल लैवल के उपर कॉम्पीटिशन हो रहा है उन्होंने दिखाना किस तरह है। सो लाइक I will give 100 marks to the director जिस तरह उन्होंने एक पतंगबाजी को एक बहुत जरा सी हल्के फुलके लेवल ना रिप्रजेंट कर रहे, जिमें उ मैम ने थोड़ी देर पहला कहा कि अजकल तो बसे बच्चे बुलाते हैं पतंग लैके आए, दो मिनट उड़ाया और छड़ दिता। सीरीयसनैस टूवर्ड्स द पतंगबाजी इन्नी नहीं रह गई अजकल की जनरेशन में, बट उस चीज़ को पूरे स्पोर्ट्स के नज़र मद्देनज़र रख के जिस तरह प्रजेंट किया गया है, दैट इज़ समथिंग वेरी कमेंडेबल, एंड आई एम वेरी श्योर कि उस तो बाद छोटे छोटे काइट क्लब्स बनने शुरू हो जाएंगे मल्लियां दे विच, एंड पीपल विल टेक पतंगबाजी मच मोर सीरियसली, एंड स्पेशली दिस जेन जी जनरेशन जिहड़ी साडी अजकल दी है हु इज ओनली ऑन द कंप्यूटर ऑल द टाइम। बोलने का मौका नहीं दिया अभी।
बड़े शरीफ भी लग रहे कहना चाहूंगा घायल में आपका काम जबरदस्त लगा था मुझे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इसमें क्या आपके रंग देखने को मिलेंगे फिल्म में, थोड़ा सा बताएं. देखिए रंग तो उससे मिलते जुलते ही मिलेंगे जो घायल में देखे हैं, बट मतलब इसमें मैं विलन नहीं हूँ. एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हीरो के ऑपोजिट एक ऐसा आदमी होना चाहिए उसे टक्कर देने के लिए, तभी हीरो की अच्छाई दिखती है अगर वो किसी बुराई को कम करेगा. तो मैं ऐसा कुछ बुरा भी नहीं कर रहा हूँ. आई वुड से आई एम सुपीरियर देन द हीरो इन इट. ग्रे शेड कैरेक्टर आप वो कह सकते हैं कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बैड इन द मूवी. आई एम नॉट किलिंग एनीबडी, सो आई एम नॉट दैट विलन. इट्स जस्ट द सिचुएशन थिंग कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ऑडियंस की सिंपैथी डेफिनेटली हीरो की तरफ रहती है, तो उसको मैं थोड़ा सिंपैथी को थोड़ा अपनी तरफ लेने के लिए आता हूँ. तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा. बाकी डेज ज़्यादा रह नहीं गए, 26 अप्रैल इज वेरी नियर, सो यू विल सी. थैंक यू. थैंक यू. ऐसे ही हमने वो शूटिंग के दौरान हमने ऐसे ही हम कुछ ना कुछ हम मस्तियां करते रहते थे कि ऐसा कर दिया जाए तो ऐसा क्या होगा क्या होगा. सो जो सेट जो एकदम जो आपकी जो बाउंड स्क्रिप्ट है उससे हटके हमने ऐसा कुछ बोला था कि अगर स्क्रिप्ट में सिर्फ एक सीन ऐड कर दिया जाए तो जो हीरो है वो पूरा हीरो बदल के जो मैं हैरी बना हूँ. तो सर ने कहा था कि I'm playing anti-hero in it. मतलब कि मैं भी हीरो की तरह ही दिखूंगा आपको इस पिक्चर में. आप लग रहा हो ना हीरो की तरह. थैंक यू. थैंक यू. देखिए गबरू गैंग पतंगबाजी की पहली फिल्म है. पतंगबाजी एज अ स्पोर्ट वर्ल्ड की हम कह सकते हैं पहली फिल्म है जो पतंगबाजी को इतने बड़े लेवल पे एक स्पोर्ट की तरह रिप्रेजेंट कर रही है. एक फैमिली स्टोरी है, एक 5 साल के बच्चे से लेके आप अपने दादा नाना किसी के साथ बैठ के देख सकते हैं. सो एक फैमिली फैमिली फिल्म कह सकते हैं, एक इमोशनल लव स्टोरी कह सकते हैं, और दोस्ती की कहानी कह सकते हैं, और एक प्योर स्पोर्ट्स ड्रामा जिसमें कि लास्ट के 5 मिनट तक भी आप एज पे ही रहेंगे कि अब क्या होने वाला है. कैसे आपके मन में आया ये, क्या कुछ ऐसा अनुभव रहा, कुछ पर्टिकुलर आपको शेयर करना चाहिए? ये तो पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे राइटर डायरेक्टर को जाता है, इस कहानी को लेके, इस थॉट को लेके, इस पूरे थॉट को एग्जीक्यूट करने से लेके, कि उन्होंने इतना इनोवेटिव, इतना नया और इतना ही ब्यूटीफुली. कई बार क्या होता है ना, आइडिया बहुत अच्छे होते हैं पर उसको कहने का तरीका भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए, उतना ही एंटरटेनिंग होना चाहिए. तो जितना अच्छा ये आइडिया है उतने ही एंटरटेनिंग वे से इस आइडिया को रिप्रेजेंट किया गया है. सो द आई दिस क्रेडिट आई विल डेफिनेटली गिव इट टू माय राइटर डायरेक्टर. आजकल नॉर्मली जो है फिल्म इंडस्ट्री में लोग मोस्टली क्रिकेट के ऊपर पिक्चरें बनाने की बिल्कुल सोच पहली वही रहती है कि क्रिकेट के ऊपर बनाएं. बिल्कुल. अब क्या है कि धीरे धीरे कबड्डी हिंदुस्तान में प्रमोट हो रही है. बिल्कुल. और आप गुजरात से हैं, गुजरात का भी टच काइट पतंग से बहुत ज्यादा है, पंजाब का भी है. तो आपने क्या सोच के बनाया कि ये पिक्चर क्या कहते हैं आगे फ्यूचर के अंदर फिल्म फेस्टिवल्स में लेके जाएंगे? और डेफिनेटली वो हम ट्राई करेंगे ज़रूर कि इसको फिल्म फेस्टिवल के लिए आगे प्रमोट किया जाए. और काइट वैसे मेरा भी पसंदीदा स्पोर्ट है सबसे ज़्यादा आज के डेट में, मैं खुद भी बहुत पतंग उड़ाता हूँ. तो बिल्कुल इसमें कोशिश करेंगे हम लोग कि इसको फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रमोट करें, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना बिल्कुल हटके है, नॉर्मल. बिल्कुल. वो प्रोड्यूसर है वो यहाँ पे पिक्चर बनाएगा. हाँ, उसके ऊपर ठीक है, रोमांस पे, एक्शन पे नहीं, ये या बड़े स्टार्स लेके आपने बिल्कुल कुछ हटके लोग लिए इसके अंदर, लेकिन कोई बड़ा नाम नहीं लेके फिर भी आपने एक सब्जेक्ट हटके चुना है. एक्चुअली ये स्टोरी अपने आप में एक स्टार है. इसके लिए अपने को बहुत बड़े स्टार कास्ट की कोई ऐसे जो हमारे ऑलरेडी जो हमारे स्टार कास्ट हैं वही खुद अपने आप में जिन्होंने काम इतना बढ़िया किया वो खुद हमारे लिए बहुत बड़े हैं. तो उसमें कोई ऐसा नहीं है और बिल्कुल अलग हटके स्टोरी है और कुछ सब चीज़ों को मिक्स करके है कि आप केवल स्पोर्ट्स भी नहीं देख रहे हो, केवल उसमें लव एंगल भी नहीं है और केवल इमोशनल एंगल भी नहीं है. मतलब सब चीज़ों को एक मिक्स करके एक इंसान कैसे अपनी मेहनत से अपनी तरीके से अपने आप को निखारता है या अपने परिवार की जरूर मतलब एक नीड को पूरी जो उसकी एक डिमांड है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसको पूरी करता है उसको दिखाया गया. इंडस्ट्री के अंदर आप इतने बड़े चैलेंज के अंदर कैसे फेस करेंगे आप, मतलब कि कितने थिएटर पे रिलीज कर रहे हैं, कितने उस पे कर रहे हैं?
गबरू गैंग फिलहाल ऑल इंडिया अराउंड 250 प्लस स्क्रीन्स में रिलीज होगी और सेम डे पर यूएस कनाडा में भी रिलीज हो रही है और एक दिन पहले 25 अप्रैल को दुबई में रिलीज हो रही है, गल्फ में लिटरली। एंड आपका जो जो सवाल है कि छोटी फिल्मों को इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करती है और या रिलीज़ का मौका कम मिलता है, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा कुछ, लेकिन अभी पहली फिल्म में तो देखते हैं क्या सपोर्ट मिलता है। अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम भी ग्रो करेंगे, और नहीं मिलेगा तो वो तो है ही, जिसने यहाँ तक लाया है वो भी आगे लेके जाएगा। फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ हुई थोड़ा बताना। अमृतसर में एक्सटेंसिवली शूट किए अराउंड 35 डेज एंड बॉम्बे में थोड़ा पैचवर्क किए अराउंड 1 वीक का, 42 डेज वी शॉट। एंड गबरू गैंग बॉलीवुड की पहली फिल्म है जो सोनी वेनिस पे शूट की गई है, सो बिकॉज उस तरह का कैमरा चाहिए था एंड यू नो वी यूज्ड द वेनिस थ्रू आउट द शूट। गबरू गैंग बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, मतलब क्या दिखाना चाहती है फिल्म? फिल्म सर मुझे नहीं पता, मैं फिल्म दिखा भी रहा हूँ कि नहीं। एक्चुअली मुझे किसी ने ये सवाल पूछा था बहुत पहले, तो मैंने कहा कि मैं 26 अप्रैल को एक कहानी सुनाने आ रहा हूँ, तो वो फिल्म ही नहीं है। गबरू गैंग इज नॉट अ फिल्म, इट्स अ स्टोरी। नहीं नहीं, इट्स अ स्टोरी, एक कहानी है 1 घंटा 53 मिनट की, जिसमें काल्पनिक है, जिसमें आपको हर इमोशन जो आपकी लाइफ में है वो आपको महसूस होगा।